हाय दोस्तों, फिर से तो एक नए वीडियो के साथ। और आज थोड़े मैं अनबॉक्सिंग करने वाले नोकिया वन के। तो ये बजट फ़ोन है और आपको इसको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू कर। तो इस टाइप का बॉक्स है हमारा। तो ये रहा हमारा नोकिया का लोगो और नोकिया लिखा हुआ सामने, और नीचे लिखा हुआ नोकिया वन ऑन एंड्रॉयड, क्योंकि ये एंड्रॉयड फ़ोन है और एंड्रॉयड फ़ोन निकालना शुरू कर दिया नोकिया ने अभी भी। चलो इसको ओपन करते हैं, जैसे कुछ है जैसे ओपन। एक मिनट यहाँ से सिलेक्ट ओपन। सो देख सकते हैं इस तरीके से खुलता है। ओ इसके अंदर साइड में रखते हैं। सो ये रहा हमारा एक्चुअल फ़ोन दोस्तों। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। बहुत ही हल्का है, कुछ हल्का लग रहा है तो बांधने दिखते हैं क्या क्या है। हल्का क्यों भी देख लेंगे। सो ये रहा हमारा ये मैनुअल कार्ड। देखिए प्रोडक्ट सेफ्टी फॉर्म इसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये हमारा ये रहा हमारा मैनुअल कार्ड और ये वारंटी कार्ड है, कोटा की तरफ से आया है वो सब कार्ड से, वारंटी कार्ड से। और कैसे यूज़ करना है सब ये तो साइड में रखते हैं इसको भी। और इसमें हम देखते हैं और क्या क्या मिलते हैं। तो इसमें मिला हमको एक डेटा केबल, आप देख सकते हो ये डेटा केबल। ये कौन सा है देख लेते हैं, हमने इसको निकाल के बाहर। सो ये है हमारा माइक्रो यूएसबी बी, माइक्रो यूएसबी केबल है ये भी। तो ये नहीं दिया है इसमें सी लिखा होता है, इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं। तो इसमें मिलता हमको, तो इसके बाद में हम लोग को ईयरफोन मिला नोकिया का। तो चलो इसको ओपन करते हैं, क्या इसकी क्वालिटी और कैसा है ये। तो चलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा नोकिया का ईयरफोन। तो क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी। चलो इसको साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या मिलता है उसके अंदर। सो इसके अंदर और क्या मिलता है, मिला हमको साथ में एक बैटरी। ये रहा हमारा बैटरी, देख सकते हैं हमारा बैटरी। ये रहा मतलब ये फ़ोन में जो बैटरी है वो रिमूवेबल बैटरी है, नॉन रिमूवेबल नहीं है। तो जिसमें नॉन रिमूवेबल मतलब ये बैटरी निकलती है, इसमें बैटरी नॉन रिमूवेबल मतलब बैटरी नहीं निकलती। इसको भी साइड में रखते हैं, अंदर डालेंगे, इंसर्ट करेंगे। और ये रहा एक्चुअल चार्जर। अरे बाप इसका तो इधर है। हाँ ये रहा चार्जर। तो इसकी आउटपुट है DC 5B 1 एम्पायर। अब इसको स्टॉप, वीडियो स्टॉप करके देख सकते हो अपन। ये थोड़ा सा फास्ट है देख लेंगे। इसको भी साइड में रखते हैं और बॉक्स खाली हो चुका पूरा। तो इसको भी साइड में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी फ़ोन की तरफ। फ़ोन तो इसको भी प्लास्टिक से निकाल लेते हैं और ये रहा इसको भी साइड में रख देते हैं। सो देख सकते हो हमारा फ़ोन एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसकी प्रीमियम लुक बहुत ही अच्छी है, अच्छी लगा मुझे फ़ोन, थोड़ा लुक अच्छा लगा। चलो इसको बैटरी इंसर्ट करते हैं और बात करते हैं इसकी कुछ कैमरा क्वालिटी और आगे आगे तक मतलब। बात करें इसकी कैमरा की, तो कैमरा आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और फ्लैश लाइट के साथ। आगे मिलता है आपको 2 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा। ओके तो चलो इसको निकालते हैं और बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। सो देख सकते हो आप इसमें लगा सकते हो एक मेमोरी कार्ड और इसकी एक्सपांड है मेमोरी कार्ड की, वो 128 GB और 8 GB रोम के साथ मिलता है और ये 1 GB रैम के साथ मिल रहा है। ये आप दो सिम लगा सकते हो, फर्स्ट सिम सेकंड सिम इधर। तो इसके अंदर हमें बैटरी सेट कर लेते हैं ये वाली। इसकी बैटरी वो कितनी इसके देख लेते हैं, 2150 mAh की बैटरी, मतलब इतना तो सेव नहीं कर पाएगी। ठीक है तो इसको लगा लेते हैं इसको अंदर, इसको पैक कर लेते हैं बट। तो इसको ओपन ऑन कर लेते हैं यहाँ से। कुछ बात करते हैं फोन की तरफ दिख रहा है आपको, पावर बाय एंड्रॉयड। ओ नोकिया का लोगो आया, हमारा फेवरेट लोगो आया। सो और साइड में दिया है हमको पावर प्लस एंड माइनस, कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर लॉक ऑन का बटन है, इसमें साउंड आ रहा है डंग 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 करके। तो जैसे इस तरह का फोन, इसको ओपन कर लेते हैं। थोड़ी गूगल जैसे दिख रहा है ये फोन, गूगल जैसा। इसमें सब गूगल के फीचर देखे, गूगल असिस्टेंट इसमें आपको दिखा देता है एक मिनट। हाँ इसमें देख सकते हो आप गूगल असिस्टेंट है, गूगल कैलकुलेटर भी है, गूगल कैलेंडर है, गूगल कैमरा है, गूगल क्रोम है, गूगल क्लॉक है,
गूगल ड्यू है, देखिए पूरा गूगल का फीचर बनाया है, गूगल फाइल को है, गूगल मैप है, गूगल जीमेल भी है, वो तो आते ही गूगल जीमेल। तो इस तरह से कुछ फीचर्स है पूरे गूगल का भरा होता है। चलिए इससे कुछ आगे के लिए क्या क्या मिलता है इसके अंदर, अब ऐसे में वो सेटिंग जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद सिस्टम, सॉरी सॉरी गूगल दिया, देखो गूगल का पूरा सिस्टम, और जाते हैं सिस्टम अपडेट, नहीं सिस्टम अपडेट नहीं, अबाउट फोन। तो इसका जो है एंड्रॉयड वर्जन है वो 8.1.0, मतलब इसके अंदर ओरियो, हमारे फोन में ओरियो नहीं आए बड़े बड़े फोन में, और इसमें ओरियो आ चुका है। गेम भी बहुत अच्छा है। तो बैक करते हैं, कैमरा क्वालिटी देखते हैं क्या है इसकी कैमरा क्वालिटी। हम कैमरा ऑन कर लेते हैं, लेट। चलिए कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट लेते हैं ये वाला, मैं वो कुछ पिक्चर क्लिक करके दिखा। तो इसके अंदर आप मैनुअल सेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है मैनुअल सेटिंग आपको मिल जाता है। मैनुअल सेटिंग अपने हिसाब से आईओएस बढ़ा सकते हो, तेल ऐड कर सकते हो, ऑटो रख सकते हो, अपना आईओएस सेट कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे सेटिंग्स है इसमें। थोड़ी बहुत कैमरा अच्छा है, थोड़ा बहुत क्योंकि थोड़ा बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आप था तो मैं कुछ फोकस जो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। मैंने कुछ पिक्चर्स लिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये प्रो इस कैमरे से है, फाइव मेगापिक्सल बैक कैमरे से खींचा देख सकते हो, थोड़ी बहुत अच्छी आई है फोटो, और फोकस अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है इसमें। देखिए फोकस अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, फोकस में प्रॉब्लम है जो मुझे अच्छी नहीं लगी। रेडमी अच्छा क्योंकि रेडमी हमारा जो 6,000 में था, और जिसकी प्राइस बता दूँ ये 5,000 का, मतलब 5,000 का ही फ़ोन है बस। हाँ चलिए ये थोड़ी फोटो तो अच्छी आई है। तो फ्रंट कैमरे की भी बात कर लेते हैं, क्या है इसका फ्रंट कैमरा अच्छा है कि नहीं, कुछ फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं। इसका फ्रंट कैमरा भी देख लेते हैं अच्छा है कि नहीं। तो फोटो अच्छा नहीं आया, मूव हो चुका, मतलब कैमरा हिल जाता है, इसका स्टेबलाइजेशन नहीं है इतना। तो देखिए अभी भी हिल चुका, हाँ थोड़ा अब भी अच्छा आया है। ओके तो चलिए अभी इसकी कुछ बात करते हैं। और जिसको एक कम प्राइस में फोन चाहिए तो उनके लिए अच्छा फोन है, ठीक है फ्लैश लाइट के साथ मिल जाता है, कैमरा भी थोड़ा अच्छा है उनके लिए, बजट वाला फोन के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है इसमें, और जैसे फीचर्स है ओरियो मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है तो अच्छे अच्छे फीचर्स है इसमें। आप जैसे तो गूगल मैसेंजर भी मिल रहा है, गूगल मैसेंजर, तो पूरी इसमें पूरी गूगल की चीज भरी हुई है। जैसे कुछ गेम गेम प्ले दिखा था आपको, तो देखते हैं कि स्मूथ चलता है कि नहीं। ग्राफिक अच्छा आ रहा है, ग्राफिक तो अच्छा है इसकी, देखते फोन थोड़ा काफी अच्छा लगा मुझे। और इसमें जो मेरे को चालू हो चुका है, तो स्मूथ चल रहा है, गेम भी अच्छा है, ग्राफिक अच्छी है इसकी, फोन तो अच्छा एकदम चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। आगे जाके देखते हैं इसमें क्या होगा। 1 GB रैम है बस इसमें, उसी तो हमारा MI ले लेते हैं, MI से तो MI है, तो भूल ही गया इसको कर सकते हैं गूगल। तो फोन तो अच्छा है, अगर आपको इसके लिए कम प्राइस में तो ये अच्छा ही है, अगर आप चाहे तो गिफ्ट में दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को फैमिली को, तो फोन तो अच्छा है, 5,000 में मिल रहा है, आप चाहे तो ले सकते हो। तो पीछे आपको देखिए नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है, उधर आपको मिलता है स्पीकर, इतना छोटा स्पीकर कोई फोन ने नहीं दिया है, अपने किसने फोन ने नहीं दिया है, और ये देखिए फोन ने दिया है। नीचे दिया जाए इसके कुछ चार्जिंग केबल, ऊपर मिलता है आपको हेडफोन जैक, हाँ ठीक है हेडफोन जैक, और इसे कुछ मिलता है बस। और इसकी बॉर्डर है वो है व्हाइट, और पीछे है ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में, ग्रीन नेवर ब्लू कलर में, ठीक है ब्लू कलर का है थोड़ा।
और ये क्या है, टूट गया क्या? ओ सॉरी, ये तो माइक्रोफोन है नीचे, हमारा जो कॉल रिसीव करने जाता है वो माइक्रोफोन दिया गया। मुझे जो बेकार चीज लगी वो है ये माइक्रोफोन, जो इनबिल्ट नहीं किया ये नोकिया वालों ने, सिर्फ बाहर दे दिया है, जो मुझे पसंद नहीं आया। ऐसा लगा देखो कोई टूटा हुआ है, कोई बंदा सोचेगा टूटा हुआ है तो क्या फायदा आपको लेके, ठीक है? तो ये बेकार लगी जो चीज, इसमें आपको देखिए इनबिल्ट माइक्रोफोन नहीं दिया, बाहर दिया माइक्रोफोन, जिसकी वजह से कोई भी डर जाएगा वो लेगा नहीं, और आपको फ्रेंड बोलेगा ये क्या टूटा हुआ है। तो ये अच्छा नहीं लगी मुझे चीज़, तो नोकिया वाले ने बेकार कर दिया। वैसे तो ग्रिप तो अच्छी है, पर कम बजट वालों के लिए अच्छा ही फ़ोन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मत लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ले लीजिए, आपको कम प्राइस के लिए अच्छा फ़ोन है। तो इसमें आप अच्छे से अच्छे गेम चला सकते हैं, जैसे कि एसपाल 8 चला सकते हैं, बहुत ही अच्छा गेम है वो भी, एसपाल 8 बहुत ही ग्राफिक वाला गेम है, जिसमें ये चला सकते हैं आप इसमें। तो अच्छा लगा फ़ोन मुझे, तो अब चाहे जो परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर उसको परचेस कर सकते हो। उसमें पूरी वापस प्राइस बता दूँ, इसकी प्राइस है 5,000 रुपीज़, ठीक है? 5,000 का फ़ोन है जो आपको मिल रहा है, ऊपर दिया है कुछ, 1.5 मेगा कैमरा दिया है, सेंसर दिया है, वही सब दिया है फिर से। तो चलो इसको रख देते साइड में। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक करो, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन पहले आ जाए। और कमेंट करके बताओ वीडियो मोबाइल कैसे लगा, फ़ोन कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, तो परचेस कर लीजिए जिसको कम बजट में फ़ोन चाहिए, और कमेंट शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ। तो मैं तुम्हें तो